हेलो, स्वागत है आप सबका। और आज हम बात करेंगे लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल की। वेल यहाँ पे स्पेलिंग है VEIL, जिसका मतलब होता है पर्दा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉरपोरेट वेल का मतलब क्या होता है। देखिए, कॉरपोरेट वेल का मतलब होता है कि कंपनी की एक अपनी एक पर्सनैलिटी है। कंपनी को अपने आप में एक पर्सन माना जाता है लॉ की नज़रों में, और हम कहते हैं इसको कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी की, कि उसकी एक अपनी पहचान होती है सेपरेट लॉ की नज़रों में। किससे सेपरेट? अपने मेंबर्स से, यानी कि उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, उससे अलग माना जाता है कंपनी को। और भले ही कोई भी लाइबिलिटी अराइज़ होती है, कुछ भी होता है, तो वो कंपनी पे अराइज़ होती है, कंपनी के मेंबर्स पे वो चीज़ जो है डायरेक्टली अराइज़ नहीं होती। तो अगर कंपनी कोई जो है डिफ़ॉल्ट भी करती है, कोई ऐसा एक्ट करती है जिसके लिए उसको सज़ा मिलनी है, तो कंपनी पे प्रोसिक्यूशन होगी, ना कि कंपनी के मेंबर्स पे। सो ये तो हो गया कॉरपोरेट वेल का मतलब। अब हम समझते हैं लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉरपोरेट वेल का मतलब क्या होता है। देखिए, कंपनी की जो एक क्वालिटी है, जो फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी, ये अपने आप में बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि इसको यूज़ करके कहीं ना कहीं मेंबर्स पे हार्श नहीं होता लॉ, और कहीं ना कहीं कंपनी पे ही सारी लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, कंपनी के मेंबर्स जो है बच जाते हैं। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज किसके लिए है, कंपनी के लिए या कंपनी के मेंबर्स के लिए? कंपनी के मेंबर्स के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि हर चीज़ कंपनी अपने नाम पे फेस करेगी और कंपनी के मेंबर्स का नाम जो है नहीं उछलेगा। लेकिन समय के साथ साथ ये देखा जा रहा था कि भले ही हमने जो एक अच्छे बोनाफाइड इंटेंशन के साथ, एक अच्छी इंटेंशन के साथ इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था कि कंपनी होगी, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, और मेंबर्स जो हैं डायरेक्टर्स को अपॉइंट वगैरह करवा के जो है अच्छे से जो एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर बन के जो है काम होगा, लेकिन देखा यह गया कि अब मेंबर्स इस चीज़ का जो है दुरुपयोग करते हैं और गलत फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का, और वो गलत कामों के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, ये सोच के कि अगर कुछ हम पकड़े भी गए या कुछ गलत हो गया, या कुछ हमने सपोज़ फ्रॉड कर दिया किसी के साथ, किसी का नुकसान कर दिया, तो हमें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि सारी जो लाइबिलिटी आएगी वो कंपनी की आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये जो पर्दा था कि कंपनी के मेंबर्स और कंपनी के बीच में एक पर्दा होगा और दोनों अलग अलग माने जाएंगे, इस पर्दे का गलत इस्तेमाल हो रहा था। और जब कई सारे केसेस में ये हुआ कि मेंबर्स ने गलत फ़ायदा उठा के एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करके कुछ मैलिफाइड इंटेंशन थी उनकी, तो एक कंसेप्ट आया लिफ्टिंग या पियर्सिंग द कॉरपोरेट वेल। इसका मतलब ये है कि हम ये जो पर्दा है उसको हटाएंगे, उसको फाड़ेंगे, उसको साइड करेंगे, और जो रियल जो पर्सन्स हैं कंपनी के पीछे, जो कंपनी को चला रहे हैं, हम उनको लायबल करवा देंगे गलत कामों के लिए। बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि अगर हमने किसी को कोई सहूलियत दी है, अगर वो उसका गलत फ़ायदा उठाएगा, तो फिर हम उसको दंड भी देंगे, और दंड देने के लिए यहाँ पे जो है हमने लिफ्टिंग या पियर्सिंग कर दी कॉरपोरेट वेल की, और जो रियल जो इंसान है कंपनी के पीछे, जो कंपनी को चला रहे हैं, हम उनको पकड़ेंगे और उन पे लाइबिलिटी चढ़ाएंगे। लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल कि अब हम जो है कहीं ना कहीं देखते हैं कि इसको किस तरह से अप्लाई किया जा रहा है आज के टाइम में। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस स्टैट्यूट में भी हैं, यानी कि एक्ट में भी हैं, कंपनीज एक्ट 2013, और कुछ कहीं ना कहीं जो डिसाइडेड केसेस हैं, जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं, उनसे भी जो है हमें पता लगता है कि कई बार इस तरह से जो है कोर्ट्स ने अपनी पावर यूज़ की है कि उन्होंने जो कॉरपोरेट वेल है उसको हटा के देखा है, और जो रियल इंसान है कंपनी के पीछे उनको लायबल किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल से रिलेटेड स्टैट्यूट में क्या क्या है, यानी कि एक्ट में। तो तीन सेक्शंस हैं, ध्यान से। सेक्शन 7 ये बात करता है कि अगर आपने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, तो हम लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल कर देंगे, और जो प्रमोटर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको लायबल करेंगे। अगला सेक्शन है सेक्शन 251 सब सेक्शन 1, ये बात करता है कि अगर आपने कोई मैलिफाइड इंटेंशन से या कोई गलत फ़ायदा उठाने के लिए आपने रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के लिए अगर एप्लीकेशन लगाई है, और उस एप्लीकेशन का पर्पज़ है कि आप जो है गलत काम जो किए हैं आपने कंपनी के नाम पे, वो उन सबको छुपाना चाहते हो, इसलिए आप कंपनी को अब बंद करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे भी लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल एक्सरसाइज कर सकता है लोग। अगला सेक्शन है सेक्शन 339, जो ये कहते हैं कि जब वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हो जाता है, यानी कि बेसिकली वाइंडिंग अप का जो प्रोसेस है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है लंबा,
ये जब स्टार्ट हो जाता है तो वाइंडिंग अप इस प्रोसेस के दौरान अगर आपने कोई गलत काम किया, कंपनी ने किसी चीज़ से बचने की कोशिश की या लॉ को जो है आपने तोड़ने की कोशिश की गलत तरीक़ों से, तो भी जो है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एक्सरसाइज कर सकते हैं कोर्ट्स और जो भी जो है जुडिशियल बॉडीज़ हैं, ताकि जो रियल बदमाश हैं उनको हम पकड़ सकें। अब डिसाइडेड केसेस के बेसिस पे हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि और कौन से ऐसे इंस्टांसेस हो सकते हैं, ऐसे मौके हो सकते हैं जहाँ पे कोर्ट्स इस पावर को यूज़ कर सकते हैं और उन्होंने पास्ट में किया भी है। तो बहुत ही जनरल बातें हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला है कि फ्रॉड, अगर कंपनी को इस पर्पज़ से बनाया गया कि उसको किसी के साथ फ्रॉड करना है, यानी कि मेंबर्स किसी के साथ फ्रॉड करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली ना करके वो कंपनी का लिबास चढ़ा के जो है करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एक्सरसाइज किया है कोर्ट्स ने और आगे कर भी सकती है। अगला है, अगर पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ अगर कोई काम करती है कंपनी, तो कंपनी को हटाया जाएगा, उसके मेंबर्स को पकड़ा जाएगा, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो, कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी ना हो जो देश के हित के खिलाफ हो। अगला केस है कि अगर कंपनी को सिर्फ इस कारण से बनाया गया है ताकि हम टैक्स इवेजन कर सकें और इनकम को जो है ताकि डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से कर दिया जाए कि थोड़ी अपने पास दिखाई जाए, थोड़ी कंपनी के नाम पे, तो टैक्स इवेजन का अगर पर्पज़ है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, तो भी जो है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एक्सरसाइज किया गया और आगे भी किया जा सकता है। अगला केस है कि अगर हम कंपनी को सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि हम अपने लेबर को कम बोनस देना पड़े, क्योंकि अगर हम अपनी इनकम बांट देंगे अलग अलग तो हर एंटिटी की इनकम कम हो जाएगी, तो इसलिए उस एंटिटी के जो भी लेबर है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो लेबर लॉस के हिसाब से जो भी आपको उनको बोनस देना है या जो इमोल्यूमेंट्स, परक्विजिट्स, कुछ फैसिलिटीज़ देनी है, तो उसमें कम गिरावट आ सकती है और फिर जो है आपको वो चीज़ें कम प्रोवाइड करनी पड़ेंगी अपने लेबर को। तो आपका सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है कंपनी बनाने का, तो भी जो है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एक्सरसाइज कर सकते हैं कोर्ट्स। तो ये कुछ केसेस थे जहाँ पे कोर्ट्स ने पास्ट में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल को एक्चुअली यूज़ किया है और उन लोगों को दोषी ठहराया है, उन लोगों को सज़ा दी है जो कंपनी के पीछे छुप के जो है गलत काम कर रहे थे और सिर्फ ये सोच के कि कंपनी पे लायबिलिटी आएगी, हम पे नहीं आएगी। तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि समय के साथ किसी कंसेप्ट में अगर कोई लूपहोल आ जाता है तो उस लूपहोल को हटाने के लिए हमें एक नया कंसेप्ट लाना ही पड़ता है। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल अपने आप में कंसेप्ट है जिससे लगाम कसी जा सकती है उन बदमाशों पे जो कंपनी के नाम पे गलत काम करने की सोचते हैं। सो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक था, लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक, जो थोड़ा सा कैची लगता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है अक्सर सुनने में शुरुआत में, लेकिन ये मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़रूर सभी स्टूडेंट्स के साथ, सभी लोगों के साथ जो कॉर्पोरेट फॉर्म को और अच्छे से समझना चाहते हैं। और ज़रूर आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, हम इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।